हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। आज है 3 संडे और संडे को सब उठते ही लेट, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं होता है, लाइब्रेरी बंद, जिम बंद, सब। तो इसीलिए लेट उठी हूँ। आज नाश्ता नहीं बनाना था, मैंने सोचा रोज़ तो रोटी सब्जी बनाते हैं रोज़, तो क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ 100 मिनट के लिए बना दूँगी पोहा, तो 100 मिनट अभी सो रहा है तो मैंने उठाई नहीं हूँ। और मैंने अपना इधर ये देखिए, दाल मैंने कल भिगोई थी ना, तो कल बनाई नहीं थी, कल मैंने छोले बना लिए। इधर दाल भी भिगो दी थी और छोले भिगो रखी थी, मुझे याद ही नहीं था। तो ये दाल भिगा हुआ तो मैं कुकर में डाल के सीटी लगा लूँगी, बाद में उसको छौंका लगाऊंगी ऊपर से। शिमला मिर्च आलू काट लिया, इधर प्याज काट ली हूँ मैं। और आप ये मत समझना संडे है तो हम लेट उठे तो काम नहीं किए। ये देखिए, उस रूम से इस रूम में कम्बल लेके आई थी फोल्ड करने के लिए सब, अभी करूँगी फोल्ड। स्वप्न सो ही रहा है और मैं दिखाऊँ मैंने क्या क्या काम कर लिया सुबह 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 मैंने सारे कपड़े धुल दिए। ये देखिए, आपको अगर दिखा, आंगन भी धुल दी पूरा उसी पानी से, क्योंकि दिखाऊँ आपको, ये हमारा वॉशिंग मशीन है और यहाँ से जो पानी निकलता है पूरा चबूतरा वगैरह आंगन वगैरह मेरा धुल गया। उधर भी कपड़ा डाल, आजकल मैं इधर इसलिए कपड़ा डाल रही हूँ कि देखिए वहाँ पे धूप निकल के आ गए कोने पे, सबसे पहला फर्स्ट वाला धूप यहीं पे आता है। धूप आना शुरू हो चुका है यहाँ से, धूप आ जाता है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कोई मेरा बच्चू इतना छोटा है, अच्छा अच्छा क्या मिर्च सीमेंट वाले लगा के आया मुँह मेरे। देखो अपने घमंड में है भाई, तो आंगन आंगन मेरा धुल चुका है सब कुछ। और मैं सुबह सुबह ये भी उठ के देखती हूँ कि हमारी चीज़ें अपने दाना है कि नहीं, उसमें पानी है कि नहीं। तो ये समझ लो कि आंगन मेरा साफ़ हो चुका है, मैंने धुलाई कर दी क्योंकि संडे था, आज लेट था। सुबह सुबह जो रोज़ मैं झाड़ू लगा के रख देती हूँ, तो इसीलिए अब मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ इधर अपनी क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च की। आप लोग बने रहो, मैं शिमला मिर्च की सब्जी इधर लेती हूँ छौंक। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा बाबा। सब्जी और दाल बना के रख दूंगी ना, तो फिर मेरा ये क्या अंधेरा सा हो रहा है, तो फिर मेरा रहेगा चावल, इसको बना के कढ़ाई साफ करके या दूसरे कढ़ाई में बनाऊंगी पोहा चौकनी के लिए। अभी बना दूंगी तो वो फूल जाएगा पूरा। अंधेरा अंधेरा पता ही क्यों आ रहा है जी, पता उधर रखा है लाइट का, ये हो रहा है क्या। तो क्योंकि प्याज को ज़्यादा नहीं भूनते हैं हम, मोटे मोटे प्याज काट रखे हैं ना, तो साथ ही साथ भूनता भी जाएगा हमारा। एक बार मिक्स कर लेते अच्छे से और इसमें ये चढ़ा के दाल फिर मिलती है आप लोगों। हमारी दाल के लिए मसाला तैयार है, कितना प्यारा लग रहा है दाल सा देखिए। और ये हमारी दाल उबाल के रख दी हूँ, क्या कुछ बोल रहा है, तो मैं इसमें दे देती हूँ, उबलता रहेगा हमारा दाल। मैं बहुत कम ये वाली दाल बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ना ज़्यादा मतलब वो लगता है, दिक्कत लगता है। एक बार आप दाल बनाओ फिर उसको ऊपर से फ्राई करो, तो ये जब तक हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा दाल। और देखिए मैंने तब तक क्या क्या बना ली हूँ, तो जब तक हमारी दाल उबल रही है देखिए, धनिया पत्ता में मन होगा तो डालूँगी नहीं तो नहीं डालूँगी। और ये चावल धुल के रख दी हूँ, तब तक मैंने अभी नहीं बनानी चावल। ये स्वप्न के लिए पोहा बना लिया और थोड़ा मैं भी खाऊँगी। तो अभी मैंने इसमें ये मूँगफली डाल करके मतलब भूल गई डालना, सोची ऊपर से अभी डाल दूँगी भून करके। ये हो गया हमारा। और ये देखिए शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्जी, पता नहीं कलर क्यों इतना अजीब सा ही आ रहा है, अजीब नहीं है अच्छा है कलर। ये शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी और आज पोहा बना, आज रोटी नहीं बनाना है हमें। तो दाल चावल सब्जी मतलब सब्जी और चावल बन गया, पोहा बन गया, अब बस चावल है। तब तक मैं सोच रही हूँ बर्तन माँजूँ अभी या नहाने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और स्वप्न का ये ब्रश खराब हो गया था। मैं इसको फेंकूँगी नहीं, क्योंकि जो बाथरूम में जाले हैं ना उस पर जो बाल वगैरह फंसते हैं उसको मैं निकालूंगी इससे।
वहीं रख दूँगी, थोड़ी सी दाल उबालूँगी, ज़्यादा नहीं उबालूँगी। तो जी बने रहो आप लोग, आज इधर का काम तब भी मैं फ़ोन आ गया था देवरानी का, उसे बात करते करते इतने सारे तो मैंने फोल्ड कर दी। आगे वाला रूम का बिल्कुल ही हालत बहुत ही बुरा है, क्योंकि संडे होता है ना, सब लेट से उठता है सब अपनी, तो फिर अरे चोट भी लग गई इतनी तेज। तो बस ये अब इस तरह से ये सोच रहा है बेड से हटाऊंगी, दूसरा बेड सेट बिछा रही हूँ मैं। आप लोग बने रहो जी। हेलो, तो अब बज रहे हैं दिन के 2 और मैं नहा के अब आई हूँ, और मैंने नाश्ता भी नहीं की हूँ अभी, क्योंकि पता नहीं आदत सी हो गई है ना, बिना नहाए हुए कुछ भी खाने का मतलब वो नहीं करता है। तो संडे का दिन एकदम बकवास दिन, बेकार दिन, सबसे रद्दी दिन मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी काम आपका टाइम से नहीं होता है। और मैं अब क्या खाना खाऊंगी और क्या नाश्ता करूंगी आप लोग भी बताओ। और नहा के आपको भूख लगती है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पोहा को खा लूँ, नमकीन भी नहीं है कि साथ में मिक्स करके खा लेती। और मैं दाल चावल भी खा ही लूँगी इसलिए, क्योंकि मुझे लग गई है बहुत तेज़ भूख। और ये देखिए ये छोटे छोटे बाल जो स्टेप स्टेप जो भी कटिंग है सबसे आगे यही वाला आ जाता है, जा रही मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़। 2 बज रहे हैं, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, सुबह से वो ऐसे भी लेट हो चुका था आज, तो बस बिस्तर उस्तर कपड़ा वपड़ा सब तो धो ही लिया था सुबह, कपड़ा धोने के बाद ये नज़ारा है हमारे घर का। तो भाई कोई बात नहीं, आज संडे का दिन था, वो भी लेट उठा तो इसलिए सब कुछ लेट 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 हो गया। तो आप लोग बने रहो और शाम को कपड़े वपड़े फोल्ड करूँगी, वही दिखाऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। तो बस बने रहो वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आती है मेरी तो लाइक कर दिया करो, वो मेरे चैनल पर नए तो एक एक सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब में कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं ना, नेट लगता है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना, सब्सक्राइब दबाओगे तो ऑल वाले बटन पे प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँचे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ 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 जिनके पास भी मेरी वीडियो जाती है सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए टाइम निकाला करो। तो मैं खा लेती हूँ अभी ये पोहा, थोड़ा मन नहीं आज पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में गुड़ 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 से हो रही है, ये खा लेती हूँ और फिर खाना खा ही लूँगी। मन कर 2 चम्मच खा कर देखती हूँ, अच्छी नहीं लगी छोड़ दूँगी, और फिर खाना खाती हूँ और फिर मिलते हैं शाम को। खाना खा कर थोड़े से मोबाइल चलाऊँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाई हूँ, बस वीडियो पब्लिक करना होता वो कर देती हूँ, और शाम को मिलते हैं फिर। मैंने बोली थी शाम को मिलेंगी, लेकिन मेरे किस्मत में चैन नहीं है, घी मैंने देखी ख़त्म हो रखा है। मैंने कि चलो आज दोपहर में जब पूरा दिन आज ऐसे ही गया है, तो मैंने घी बनाने के लिए चढ़ा दी, और जो मलाई को मैंने ऐसे जो फेंटी थी उसमें से जो छाछ निकलते हैं तो उसमें से देखिए इतने पनीर भी निकाल दिए, मतलब करीब 100 ग्राम, नहीं तो 100 ग्राम से थोड़ा कम है। सौ पनीर के लिए बस प्याज लहसुन सब डाल करके भुजी बना देंगे, इतना बन गया। और इधर घी उबल रहा है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करके, मतलब 3:30 बज रहे आज सुबह से, पता नहीं आराम ही नहीं हुआ, और आँख पे और ऊपर से एक दाना निकल गया खुजली कर करके, मेरे कहीं ना कहीं निकलता, जितना मुँह नहीं है ना उतना निकलता ही रहता है। और तो 2-4 खाना खाए थे मैंने कि जब काम कर ही रहे हैं, बर्तन भी सिंक भी साफ कर दिया क्लीन, बर्तन कभी अंत ही नहीं लेता है। मैंने कि चलो आप लोगों को दिखा देते हो, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बन जाएगी, और अब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बस बैठ जाने का, थोड़ी देर मोबाइल देख के और आराम करने का। सुबह से उठी हूँ तो उसमें खड़ी ही हूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे एक नई वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि मैं कुछ नई नई डालती रहूँ, आप लोग देखते रहो। तो बाय बाय।